नमस्कार दोस्तों, इस सीरीज में आपका स्वागत है। हमने 250 क्वेश्चन तक लास्ट वीडियो में देखा था। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द मैकेनिकल कॉसेस इंजन डस नॉट स्टार्ट। ठीक है, तो क्या मैकेनिकल कॉसेस है जिस कारण इंजन स्टार्ट नहीं होता है? ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं और ऑप्शन से ही हम आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसका देखिए, पहला है स्टार्टर मोटर माउंटिंग बोल्ट लूज। तो भैया स्टार्टर मोटर का माउंटिंग बोल्ट लूज है तो स्टार्टर मोटर क्या करेगी? वाइब्रेट करेगी, उससे इंजन की स्टार्टिंग का कोई लेना देना नहीं है। डिफेक्टिव अल्टरनेटर, तो अल्टरनेटर क्या है दोस्तों? अल्टरनेटर बिजली पैदा करने वाला सिस्टम है तो उसका इंजन स्टार्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। डिफेक्टिव थर्मोस्टेट, यदि थर्मोस्टेट खराब होगा तो कूलिंग सिस्टम में इफेक्ट आएगा, मतलब ये भी कनेक्टेड नहीं है। तो बच्चा क्या, क्लॉग्ड फ्यूल फिल्टर। यदि फ्यूल फिल्टर भर गया या फ्यूल फिल्टर में खराबी आ गई है या इसके फ्यूल सप्लाई सही से नहीं हो रही है, इस कारण से क्या होगा, यह इंजन स्टार्ट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। What is the mechanical cause for engine does not start? ठीक है, फिर से भाई पूछा है कि कौन सा mechanical cost है जिसके कारण इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, डिफेक्टिव ऑयल पंप, तो ऑयल पंप का लुब्रिकेशन सिस्टम से काम है दोस्तों। डिफेक्टिव स्टार्टर स्विच, ठीक है, डिफेक्टिव स्टार्टर स्विच भी कारण हो सकता है, लेकिन अगले अगले अपन ऑप्शन देखें, फिर इसका हम सही आंसर जो होगा वही क्लिक करेंगे। ठीक है, इम्प्रूव वॉल्व, इम्प्रॉपर वॉल्व टाइमिंग और नो वाटर इन फ्यूल। तो ये भी नो वाटर इन फ्यूल, ये तो कोई आंसर नहीं है। बच्चे कौन से, बी और सी। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों इम्प्रूव वॉल्व टाइमिंग। ठीक है, क्योंकि स्टार्टर स्विच यदि काम नहीं करेगा, ठीक है, तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन इम्प्रॉपर वॉल्व, इंजन स्टार्ट नहीं होगा लेकिन वो ये भी कारण सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर सही है वो क्या है, इंप्रूव्ड वॉल्व टाइमिंग। क्यों इंप्रॉपर वॉल्व टाइमिंग? क्योंकि वॉल्व टाइमिंग यदि गड़बड़ होगी तो इंजन अंदर से ही स्टार्ट नहीं होगा, और स्टार्टर स्विच खराब है तो दोस्तों हो सकता है हम धक्का मारकर किसी और तरीके से इंजन को स्टार्ट कर पाए। ठीक है, तो यह इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इंप्रॉपर वॉल्व टाइमिंग। चलिए अगला देखते हैं। व्हाट इज द रीजन फॉर इंजन ओवरहीटिंग? इंजन के ओवरहीटिंग का क्या कारण? ठीक है, रेडिएटर प्रेशर कैप डिफेक्टिव होना, डिस्चार्ज बैटरी का होना, क्लॉग्ड फ्यूल टैंक वेंट होल का होना और एक्सेसिव वॉल्व गाइड क्लीयरेंस का होना। ठीक है दोस्तों, तो डिस्चार्ज बैटरी कोई मतलब नहीं है ओवरहीटिंग से उसका। ठीक है, उसके बाद क्लॉग्ड फ्यूल टैंक वेंट होल, अगर ऐसा होगा तो इंजन में फ्यूल सप्लाई की दिक्कत आएगी। ठीक है, तो यह भी कारण नहीं होगा। एक्सेसिव वॉल्व गाइड क्लीयरेंस, तो भैया वॉल्व क्लीयरेंस ये भी इंजन की स्टार्टिंग से कहीं संबंध है, ओवरहीटिंग से केवल एक ही बचता है रेडिएटर प्रेशर कैप का खराब होना। ठीक है, तो यह इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए। ठीक है, अगला देखें दोस्तों। What is the reason for engine low power generation? इंजन के लो पावर जनरेशन का कारण क्या हो सकता है दोस्तों? वीक कंप्रेशन, डिफेक्टिव अल्टरनेटर, तो अल्टरनेटर कोई काम नहीं है, एक्सटर्नल ऑयल लीकेज, इसका भी कोई काम नहीं है, क्लॉग्ड थर्मोस्टेट वाल्व, तो ये हीटिंग से संबंध है। तो बच्चा क्या, वीक कंप्रेशन। तो सही आंसर क्या होगा, वीक कंप्रेशन। इस प्रकार से आपको सही आंसर ढूंढना है इस प्रकार के जब क्वेश्चन आते हैं आपको। तो चलिए देखिए अगला देखते हैं दोस्तों। व्हाट इज मैकेनिकल कॉसेस फॉर इंजन डस नॉट स्टार्ट? ठीक है, नो एयर इन फ्यूल सिस्टम, क्लॉग्ड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, बैटरी फुल चार्ज, स्टार्टर मोटर इंगेज प्रॉपरली। ठीक है, यदि देखिए डी को देखते हैं, यदि स्टार्टर मोटर इंगेज प्रॉपरली होगी तो इंजन को खराबी हुई मतलब स्टार्ट होने में दिक्कत नहीं होगी, तो ज्यादा आंसर होगा नहीं। बैटरी फुल चार्ज है तो भी कोई आंसर नहीं होगा। ठीक, नो एयर इन फ्यूल सिस्टम, यदि फ्यूल सिस्टम में कोई एयर नहीं है, मतलब फ्यूल सिस्टम, फ्यूल सप्लाई सिस्टम में, ठीक है, फ्यूल सप्लाई सिस्टम में एयर नहीं है, मतलब फ्यूल सप्लाई भी अच्छे से होगी। तो बचा क्या, क्लॉग्ड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड फंस जाने के कारण, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में सही एग्जॉस्ट नहीं होने के कारण भी इंजन आपका स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि आपके नए चार्ज प्रवेश करने में दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपने इसका एग्जांपल देखा होगा दोस्तों, जब बजरंगी भाईजान पिक्चर थी उसमें जो बच्ची जब उसमें बनाना डाल देती है उसके साइलेंसर में, तो इंजन स्टार्ट नहीं होता। तो यह उसी एग्जांपल से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, 257 क्या बोलता है दोस्तों? व्हाट इज द रीजन फॉर लो ऑयल प्रेशर इन इंजन? इंजन में लो ऑयल प्रेशर का काम क्या हो सकता है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं आंसर। डिफेक्टिव प्रेशर रिलीफ वाल्व असेंबली, डिफेक्टिव प्रेशर गेज, लूज बैटरी क्लैंप, क्लॉग्ड एयर क्लीनर। तो ये दो तो हो ही नहीं सकते। डिफेक्टिव प्रेशर गेज, तो प्रेशर गेज कम होगा तो क्या दिखाएगा, लो प्रेशर दिखाएगा, लेकिन ये पूछ रहा है कि लो प्रेशर होने का कारण क्या है, तो डिफेक्टिव प्रेशर रिलीफ वॉल्व असेंबली। ठीक है, तो प्रेशर रिलीफ वॉल्व असेंबली का डिफेक्टिव होना। सेकंड आंसर क्यों नहीं होगा भैया, इससे यह होगा कि ये प्रेशर गेज गलत दिखाएगा लेकिन रहेगा प्रेशर सही। ठीक है, तो सही, अब ये जबकि पूछ रहा है कि लो ऑयल प्रेशर इन इंजन, इंजन में लो ऑयल प्रेशर का कारण क्या है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए। 258 देखते हैं दोस्तों। What is the reason for low oil pressure in engine? Low oil pressure engine में क्या काम है? Defective injector कोई काम नहीं है, weak compression कोई connection नहीं, defective battery कोई connection नहीं। तो बचा क्या, workout crank and camshaft bearing। ठीक है, engine के bearing का घिस जाना। ठीक है, तो bearing घिस जाएंगे तो क्या होगा, leakage होगा, इसलिए यह low oil pressure को दिखाएगा। 259 बोलता है दोस्तों, What is the reason for engine low power generation? Low power generation का क्या कारण है? ठीक है, piston ring worn out, defective oil relief valve,
लूज फैन बेल्ट, डिफेक्टिव अल्टरनेटर। तो देखिए ये तीन जो ऑप्शन दिख रहे हैं बी सी और डी, ये तो कहीं से कनेक्टेड है ही नहीं। बचा क्या, पिस्टन रिंग वर्म आउट। यदि पिस्टन की रिंग जल गई होगी या कट गई होगी तो क्या होता है दोस्तों, कंप्रेशन का लीकेज होगा, कंप्रेशन का लीकेज होगा तो इंजन सही से स्टार्ट नहीं होगा। 260 देखें दोस्तों, व्हाट इज द रीजन फॉर हाई ऑयल कंजप्शन, हाई ऑयल कंजप्शन का क्या कारण है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, डिफेक्टिव प्रेशर गेज, ठीक है तो डिफेक्टिव प्रेशर गेज से कंजप्शन का कोई लेना देना नहीं। इम्प्रॉपर वाल्व टाइमिंग, इंजन स्टार्ट नहीं होगा। एक्सेसिव वाल्व गाइड क्लियरेंस, यदि वाल्व की गाइड क्लियरेंस क्या होगा ज्यादा होगा तो हाँ देखिए, अब एक्सेसिव वाल्व गाइड क्लियरेंस कि अगर गाइड वाल्व का गाइड क्लियरेंस ज्यादा होगा तो आसपास से ऑयल क्या होगा लीक होके कहाँ पहुंच जाएगा, कंप्रेशन चैम्बर में पहुंच जाएगा, जिसके कारण क्या होगा यहाँ पे आपका ऑयल के खपत ज्यादा होने लगेगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, सी। इस प्रकार से आप सही आंसर देख सकते हैं। 261, व्हाट इज द रीजन फॉर हाई ऑयल कंजप्शन, फिर से वही पूछा है। अब फिर से अपन को क्वेश्चन के आंसर कहाँ से निकालेंगे दोस्तों, हम ऑब्जेक्टिव से आंसर ढूंढेंगे। डिफेक्टिव प्रेशर रिलीफ वाल्व, तो प्रेशर रिलीफ का क्या काम है, प्रेशर रिलीफ वाल्व का काम कहाँ हो जाएगा आपके इंजन आदि से रिलेटेड है। ठीक है, फ्यूल फिल्टर क्लॉक, ये इससे भी रिलेटेड नहीं है। इम्प्रूवर वाल्व टाइमिंग, ये भी नहीं है। वर आउट लाइनर, यदि लाइनर जल गया है, लाइनर या घिस गया है तो क्या होगा आपका ऑयल लीकेज होगा, क्योंकि रिंग पूरी तरह से स्क्रैप नहीं कर पाएंगी लाइनर घिसे होने के कारण, तो क्या होगा ऑयल का कंजम्पशन आपका ज्यादा होगा। ठीक है, और आपको धुआं दिखाई देगा पीछे। व्हाट इज द रीजन फॉर इंजन ओवरहीटिंग, इंजन ओवरहीटिंग का फिर से इनने रीजन पूछा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको दिमाग से आंसर टिक करना है दोस्तों, और ये थोड़े हार्ड भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको बहुत से ऑप्शन सेम टू सेम लगते हैं। क्लॉग्ड फ्यूल फिल्टर, तो भैया ये तो स्टार्टिंग से संबंधित है। फ्यूल लीकेज, स्टार्टिंग से संबंधित है। एक्सटर्नल लीकेज ऑफ ऑयल, ये भी क्या होगा लुब्रिकेशन से संबंधित है। बचा क्या, डी बचा होगा, तो डी क्या बचा है देखते हैं। डिफेक्टिव थर्मोस्टेट वाल्व, ठीक है, तो डिफेक्टिव थर्मोस्टेट वाल्व के कारण ही इंजन में क्या होगा ओवरहीटिंग की समस्या आती है। 263 देखते हैं दोस्तों, 263, व्हाट इज द रीजन फॉर हाई फ्यूल कंजप्शन। देखो दोस्तों क्या बोला है, फ्यूल कंजप्शन, तो अब हमको फ्यूल वाली चीज ढूंढना है। डिफेक्टिव थर्मोस्टेट वाल्व हीटिंग से संबंधित है, ठीक है। लूज बैटरी टर्मिनल इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है। वाटर इन द फ्यूल सिस्टम, ठीक है, ये फ्यूल सप्लाई सिस्टम से कंजेस्ट रिलेटेड, लेकिन फ्यूल सिस्टम में वाटर के जाने से क्या होगा इंजन को स्टार्ट होने में समस्या होगी। ठीक है, जबकि पूछ रहा क्या हाई फ्यूल कंजप्शन, तो बचा क्या आपका लो कंप्रेशन रेशियो, ठीक है, या लो कंप्रेशन, इसका सही आंसर क्या होगा लो कंप्रेशन। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉसिबल कॉसेस ऑफ हाई ऑयल कंजप्शन, हाई ऑयल कंजप्शन। देखो दोस्तों क्या पूछा है, हाई ऑयल कंजप्शन, ठीक है, क्लॉग्ड एयर क्लीनर आंसर नहीं होगा, क्लॉग्ड फ्यूल फिल्टर आंसर नहीं होगा, क्योंकि हाई ऑयल कंजप्शन से पूछा है। वन आउट पिस्टन रिंग, लो ऑयल लेवल, तो कम ऑयल लेवल ये कोई कारण नहीं है। तो बचा क्या आपका सी, क्या आपका क्या है आपका वर्न आउट पिस्टन रिंग, पिस्टन रिंग कटी हुई है या घिसी हुई है तो ऑयल की खपत होगी। ठीक है, व्हाट इज द कॉज ऑफ लो पावर जनरेशन, लो पावर जनरेशन बात हो रही है दोस्तों पावर जनरेशन की। ठीक है, पावर जनरेशन की यहाँ बात हो रही है, तो पावर जनरेशन क्या होगा, जो आउटपुट में आपको पावर मिल रही है, आउटपुट में पावर कहाँ मिलती है दोस्तों, आउटपुट में पावर मिलती है आपको फ्लाई व्हील में। ठीक है, तो देखो ऑयल फिल्टर लुब्रिकेशन से संबंधित है, क्लॉग्ड फ्यूल फिल्टर, तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्यूल फिल्टर, क्योंकि फ्यूल फिल्टर ही एक ऐसा इसमें क्या बोलते हैं आंसर है जिससे जिससे पावर जनरेशन होगा, मतलब पावर जनरेशन इफेक्टिव होगा। अगले क्या है ऑप्शन, करेक्ट इंजेक्शन टाइमिंग, तो अच्छी बात है। मोर सप्लाई ऑफ फ्यूल, तो ये तो कोई रीजन नहीं है। व्हाट इज द पॉसिबल कॉसेस ऑफ लो पावर जनरेशन, फिर से पूछा है, अब फिर से क्या कॉसेस हो सकते हैं। ठीक है, मोर सप्लाई ऑफ एयर, ठीक है, यदि सप्लाई एयर की सप्लाई ज्यादा होगी तो पावर जनरेशन इफेक्ट करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि मिक्सचर लीन हो जाएगा। मोर सप्लाई ऑफ फ्यूल, यदि फ्यूल की सप्लाई ज्यादा होगी तो भैया सिंपल सी बात है पावर जनरेशन भी ज्यादा होना चाहिए। जब हम एक्सीलेटर पेडल दबाते हैं फ्यूल सप्लाई बढ़ जाती है तो पावर जनरेशन बढ़ जाता है। अब बच्चा क्या देखते हैं, इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ फ्यूल, हाँ ये सही आंसर होगा। ठीक है, इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ फ्यूल, यदि कंबसन सही से नहीं हो रहा है फ्यूल का तो ये आपके कैसा होगा दिक्कत इसमें आती है। 267, व्हाट इज द पॉसिबल कॉसेस ऑफ इंजन ओवरहीटिंग, देखिए फिर से वो पूछा है इंजन ओवरहीटिंग, तो ओवरहीटिंग का आप सही आंसर आप बता दीजिए। देखिए एयर ड्राफ्ट से कोई लेना नहीं, सर्कुलेशन ऑफ वाटर से, हाँ पानी का ज्यादा ज्यादा प्रवाह होगा, हाई सर्कुलेशन ऑफ वाटर, तो क्या होगा इंजन कूल ज्यादा होगा ना कि हीट ज्यादा होगा। रेडिएटर कोर का ब्लॉक होना, हाई वाटर लेवल इन रेडिएटर, तो सही आंसर क्या होगा इसका दोस्तों सी, क्योंकि यदि रेडिएटर कोर ब्लॉक हो गई तो पानी ठंडा नहीं होगा, पानी ठंडा नहीं होगा तो जब पानी ठंडा नहीं होगा तो इंजन भी ठंडा नहीं होगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है सी। What is the possible causes of engine overheating? फिर से क्या पूछा दोस्तों, overheating, तो overheating में high water level होगा नहीं, high oil level होगा नहीं, faulty water pump, fuel inject, faulty injector, तो faulty water pump, यदि water pump अपना सही से काम नहीं करेगा तो इंजन कैसा होगा overheat होगा। 269, what is the possible causes of excessive fuel consumption? क्या पूछा है, fuel की खपत ज्यादा होना, हाई फ्यूल इन टैंक कोई आंसर नहीं, लो फ्यूल इन टैंक कोई आंसर नहीं, हाई कंप्रेशन वीक कंप्रेशन, अब इन दोनों में से एक आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों क्या है, वीक कंप्रेशन। ठीक है, क्योंकि यदि कंप्रेशन वीक होगा तो हमको ऑयल की जो फ्यूल की खपत है वो बढ़ जाएगी।
ठीक है, व्हाट इज द रेमेडी ऑफ इंजन ओवरहीट। ठीक है, अब इंजन के ओवरहीट हो रहा है तो ओवरहीट सॉरी इंजन ओवर हाँ ओवरहीट्स का रेमेडी पूछा है, तो हीट से रिलेटेड वाला आप कोई सबसे पहले आंसर ढूंढिए। टॉप अप ऑयल लेवल, ये ऑयल लेवल से कोई मतलब ही नहीं है। टॉप अप फ्यूल लेवल मतलब फ्यूल का लेवल बढ़ाना, इसे कोई आंसर नहीं। टॉप अप कूलेंट लेवल, हाँ कूलेंट मतलब हीट से कहीं ना कहीं कनेक्टेड, इसका आंसर क्या होगा कूलेंट से। और इलेक्ट्रोलाइट कैसे कनेक्टेड है बैटरी से, तो इसका सही आंसर आप यहाँ से खोज सकते हैं, इस प्रकार से आप आंसर खोजना सोख सकते हैं। बीएचपी ब्रेक हॉर्स पावर का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, अभी पूछ रहा है ब्रेक हॉर्स पावर। अब ब्रेक हॉर्स पावर क्या होती है दोस्तों, ब्रेक हॉर्स पावर होती है आपकी जो आपको फ्लाई जो आपको कहाँ प्राप्त होती है, जो आपको पहियों पर प्राप्त होती है या आपके जो क्रैंक शाफ्ट में जो पावर जनरेट होती है, सॉरी ठीक है क्रैंक शाफ्ट में जो पावर जनरेट हो रही है वह आपकी क्या होती है ब्रेक हॉर्स पावर होती है। और इंडिकेटेड हॉर्स पावर क्या होती है, जो कि आपकी आइडली जो हमने आइडल कैलकुलेशन करके निकालते तो होती इंडिकेटेड पावर। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, 2π NT/4500। ठीक है, क्यों 4500, क्योंकि एचपी में पूछता है, किलोवाट में पूछता है तो बटे क्या आ जाता है हजार आ जाता है। 2π जानते हैं, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न और टी मतलब टी क्या हो जाएगा टॉर्क हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, व्हाट इज द आईएचपी इंडिकेटेड हॉर्स पावर के लिए सूत्र क्या है। इंडिकेटेड हॉर्स पावर का सूत्र होता है दोस्तों, इंडिकेटेड हॉर्स पावर का सूत्र है आपका प्लान। ठीक है, प्लान याद रखना, 272 है ना क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है प्लान, प्लान बटे 4500। ठीक है, यहाँ पे कप्लान भी लिखा रखता है, प्लान प्लान बटे 4500, ये है इसका क्या हो जाएगा, ये देखिए के लिखा है ना तो के कप्लान, के क्या हो नंबर ऑफ सिलेंडर हो जाता है, पी क्या हो जाता है मीन इफेक्टिव प्रेशर, एल लेंथ ऑफ स्ट्रोक, ए एरिया ऑफ स्ट्रोक और एन क्या है नंबर ऑफ टन। और 4500 बटे में है क्यों, क्योंकि हमको क्या निकालना है किलो वो एचपी में निकालना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 273 कंप्रेशन रेशियो, व्हाट इज द कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो टोटल वॉल्यूम ऑफ बटे क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, वीएस मतलब वीएस प्लस वीसी बटे वीसी, वीएस मतलब वॉल्यूम ऑफ स्ट्रोक, वीसी मतलब वॉल्यूम ऑफ क्लियरेंस, मतलब टोटल कितना वॉल्यूम हो गया, टोटल वॉल्यूम बटे क्लियरेंस वॉल्यूम, यही इसका क्या होगा आंसर। ठीक है, अब कंप्रेशन रेशियो का आप ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों कि जितना चार्ज इसके अंदर प्रवेश कर सकता था और प्रवेश करने के बाद आपने उसको कंप्रेस करके कितना बन दिया, उसका अनुपात क्या कहलाता है कंप्रेशन रेशियो दोस्तों। तो यहाँ पे यह नीमी पोर्टर के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हुए, धन्यवाद।